वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपका गेस्ट टेस्टिंग का जो एग्ज़ाम है वो आपके सिर पर है, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग, जैसा कि आपका भी रिकमेंडेशन था कि सर आप जल्द से जल्द गेस्ट टेस्टिंग का जो MCQ क्वेश्चन है वो लेकर आएँ, तो आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में आपका जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस से जो क्वेश्चन बन पाता था उसको मैंने बनाने का कोशिश किया हूँ, और कहीं ना कहीं ये आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्पफुल होने वाला है ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और इसको मैं दावा भी करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। तो बिना देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पर विजिट कर सकते हैं, चैनल में इसका लिंक दिया हुआ है। अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख दिया हूँ, और आपको समझने के लिए मैं इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो इजीली समझ में आए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंज्यूम्ड, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तब हम लोग कितना भाग ऑक्सीजन का हम लोग खर्च करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 1 whole 2 part, ऑप्शन बी 1 whole 3 part, ऑप्शन सी 1 whole 4 part, ऑप्शन डी 1 whole 5th part। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 whole 4 part हम लोग कंज्यूम करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन माइन डिस्टिंग्विश द फ्लेम ऑफ अ सेफ्टी लैम्प, यानी कि कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होने पर हमारा जो सेफ्टी लैम्प होगा वो बुझ जाएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ 1%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 7%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3%। 3% कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होने पे आपका जो सेफ्टी लैम्प होता है वो कम्प्लीटली बुझ जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन अ माइन अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 153। दोस्तों, हमारा जो CMR 2017 है उसमें आपका रेगुलेशन नंबर 153 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक परसेंटेज तक रेस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी कि उससे ज़्यादा किसी भी प्लेस में, माइंस का किसी भी प्लेस में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितना परसेंट अधिक नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन दिया हुआ 0.5%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी 3%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी प्लेस में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मीथेन इन द रिटर्न एयर ऑफ माइन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो माइंस का रिटर्न एयर है उसमें हमारा जो मीथेन का जो परसेंटेज है वो कितना परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे यही कह रहा है क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ 0.5%, ऑप्शन बी 0.75%, ऑप्शन सी 1.25%, ऑप्शन डी 1.5%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, 0.75%। दोस्तों, आप इसको CMR 2017 के रेगुलेशन नंबर 153 में जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो हमारा रिटर्न एयर है उसमें आपका मीथेन का जो परसेंटेज है वो 0.75% से अधिक नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें ये भी कहा गया है कि माइंस का किसी भी प्लेस में आपका जो मीथेन का जो परसेंटेज है वो 1.25% से अधिक नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन आपको बोला गया, एक तो आप कहेगा रिटर्न एयर जैसे ही बोलेगा तो आपको 0.75% में क्लिक करना है, और यदि आपको कहता है कि माइंस का किसी भी प्लेस में कितना मीथेन का कितना परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए तो उस कंडीशन में आपको ये वाला आंसर को पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि एट व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन द सेफ्टी लैम्प गेट डिस्टिंग्विश, यानी कि कितना परसेंट ऑक्सीजन रहने पे आपका जो सेफ्टी लैम्प है वो बुझ जाएगा।
ऑप्शन दिया हुआ है 12%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 17%, ऑप्शन डी 19%। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी होगा 17%। दोस्तों जब आपका जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 17% से कम होने लगता है तो आपका जो सेफ्टी लैंप है वो बुझ जाता है। तो इसका जो रेफरेंस है वो आपका एलसी काकू के बुक में दिया हुआ है, गैस टेस्टिंग वाले बुक में आपको दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विथ 1% डिफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन डज द सेफ्टी लैंप लाइट रिड्यूस, यानी कि 1% जब ऑक्सीजन का कमी होगा तो कितना परसेंट आपका जो सेफ्टी लैंप का लाइट है वो घट जाएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है 15%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 30%, यानी कि जब 1% आपका ऑक्सीजन का कमी होगा तो जो सेफ्टी लैंप का लाइट है वो 30% रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है कि इन द रिटर्न एयर ऑफ माइन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरली फाउंड, यानी कि हमारा जो रिटर्न एयर है माइंस का उसमें हमारा जो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कितना हम लोग को मिलता है रिटर्न एयर में। तो ऑप्शन दिया हुआ 0.2%, ऑप्शन बी 0.3%, ऑप्शन सी 0.5%, ऑप्शन डी 0.8%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 0.3%। जनरली हम लोग को रिटर्न एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो हमको 0.3% देखने को मिलता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द रिटर्न एयर वे ऑफ माइन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जनरली, यानी कि रिटर्न एयर में हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ 17%, ऑप्शन बी 19%, ऑप्शन सी 20.3%, ऑप्शन डी 21%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, 20.3% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या कह रहा है कि इन द रिटर्न एयर ऑफ माइन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि 76%, ऑप्शन बी 79%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 85%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 79%। दोस्तों जो माइंस का रिटर्न एयरवे है उसमें आपका जो मीथेन का जो परसेंटेज होता है वो 0.4% होता है मीथेन का, और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है वो 0.3% होता है, और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है रिटर्न एयर में वो 20.3% होता है, और आपका जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन वो आपका 79% होता है इन द रिटर्न एयर वे में। ये आपने समझा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इन द रिटर्न एयर वे ऑफ अ माइन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मीथेन गैस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रिटर्न एयर में मीथेन का कितना परसेंट होता है, तो ऑप्शन दिया हुआ 0.4%, ऑप्शन बी 0.75%, ऑप्शन सी 1.25, ऑप्शन डी 1.5%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 0.4%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड पर पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन। इस क्वेश्चन का रेफरेंस आपका रेगुलेशन नंबर 153, जिसमें कि कहा गया है कि पर पर्सन को कितना क्वांटिटी ऑफ एयर का रिक्वायरमेंट होगा, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर का रिक्वायरमेंट पर पर्सन कितना होगा। तो ऑप्शन दिया होगा 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट, ऑप्शन बी 6 मीटर क्यूब पर मिनट, ऑप्शन सी 5 मीटर क्यूब पर मिनट, ऑप्शन डी 3 मीटर क्यूब पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 मीटर क्यूब पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड पर टन ऑफ डेली आउटपुट। तो डेली आउटपुट के हिसाब से हम लोग को मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर कितना भेजना चाहिए इसके बारे में पूछ रहा। तो इसका भी रेफरेंस आपका रेगुलेशन नंबर 153 में दिया गया है। इसका ऑप्शन दिया रहा है आपका 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट, ऑप्शन बी 4 मीटर क्यूब पर मिनट, ऑप्शन सी 6 मीटर क्यूब पर मिनट, ऑप्शन डी 3 मीटर क्यूब पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अंडरग्राउंड माइन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस आर फाउंड।
यानी कि अंडरग्राउंड माइंस में कितने तरह का गैस हम लोग को मिलता है। ऑप्शन दिया हुआ है 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 तरह का गैस हम लोग को अंडरग्राउंड माइंस में देखने को मिलता है। उनमें से कौन कौन सा है, तो आपका एक फायर डैम है, एक आपका ब्लैक डैम है, एक आपका वाइट डैम है, एक आपका स्टिंग डैम है, एक आपका SO2 गैस है, एक आपका गोब स्टिंक है। तो कुल मिला के आपका इसी तरह के 9 गैस हम लोग को अंडरग्राउंड माइंस में मिलता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विच गैस इज कॉल्ड एज ब्लैक डैम। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला CH4, ऑप्शन बी CO2, CO2 प्लस, यहाँ पे आपको ऑप्शन बी में एक मिसप्रिंट हो गया है, इसको आपको CO2 प्लस N2 करना है। एक्सेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्सेस N2। तो ऑप्शन सी है आपका NO2, ऑप्शन डी है H2S। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, CO2 प्लस एक्सेस नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि विच गैस इज कॉल्ड एज, कौन सा गैस को हम लोग वाइट डैम कहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है H2S, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी NO। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग वाइट डैम के नाम से जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच गैस इज कॉल्ड एज स्टिंक डैम, स्टिंक डैंक हम लोग कौन से गैस को कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका H2S, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी NOx, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, H2S, जिसे हम लोग बदबू गैस भी कहते हैं। यह जो गैस होता है वो आपका सड़ा हुआ अंडा और सड़ा हुआ प्याज के जैसा स्मेल करता है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कोलसिम द डिग्रीनेस ऑफ गैस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। तो ऑप्शन दिया हुआ है 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यहाँ कहने का मतलब कि जो हमारा कोलसिम है, कोलसिम को डिग्रीनेस ऑफ गैसीनेस के हिसाब से कितना टाइप्स का डिवाइड किया जाता है। तो मेनली हम लोग जानते हैं कि एक हमारा डिग्री 1 होता है, एक आपका डिग्री 2 होता है, एक आपका डिग्री 3 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3। 18 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं, इसमें कि आपका कह रहा है फर्स्ट डिग्री गैसीसिम व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस डिटेक्टेड इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर डज नॉट एक्सीड। यहाँ पे आपका इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज पूछ रहा है इन द जनरल बॉडी डज नॉट एक्सीड। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 0.1%, ऑप्शन बी 0.5%, ऑप्शन सी 1%, ऑप्शन डी 1.25%। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.1% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका रेफरेंस आपका रेगुलेशन नंबर 2 में दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सेकेंड डिग्री गैसीसिम व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस अकॉर्डिंग टू द पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन। ऑप्शन दिया हुआ 1 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी दिया हुआ 10 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी 15 मीटर क्यूब, ऑप्शन डी 20 मीटर क्यूब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 मीटर क्यूब। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सेकेंड डिग्री का माइंस होता है उसमें साफ साफ हमारे रेगुलेशन नंबर 2 में लिखा गया है कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ पर टन ऑफ रेट ऑफ इमिशन ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन के हिसाब से हमारा जो सेकेंड डिग्री में वो 1 मीटर क्यूब से अधिक होता है, लेकिन वो हमारा 10 मीटर क्यूब से कम होता है। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम पूछ रहा था, तो मैक्सिमम के अनुसार हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है विच टाइप ऑफ गैस आर इथेन एंड इथिलीन, किस तरह का गैस है इथेन और इथिलीन। ऑप्शन दिया हुआ कलरलेस, ऑप्शन बी इन्फ्लेमेबल, ऑप्शन सी एक्सप्लोजन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इथेन और इथिलीन गैस होता है वो तो हमारा कलरलेस होता है, इन्फ्लेमेबल भी होता है, एक्सप्लोजन भी ये दोनों गैस करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, एक्सप्लोजन लिमिट ऑफ इथेन। इसमें आपका इथेन का एक्सप्लोजन लिमिट पूछ रहा है। दोस्तों आपको जो
ये जो टर्म है एक्सप्लोजन लिमिट, सभी गैस का आपको एक्सप्लोजन लिमिट को याद करके जाना है, इनसे आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन मैं आपको पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए में है 2 to 5%, ऑप्शन बी 3.2 to 12.5%, ऑप्शन सी 5 to 10%, ऑप्शन डी 4.5 to 12.5%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3.2 to 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, एक्सप्लोजन लिमिट ऑफ इथिलीन। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना इथेन और इथिलीन में। यहाँ पे आपका इथेन का पूछा था एक्सप्लोजन लिमिट, यहाँ आपको इथिलीन का पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 3.2 to 12.5%, ऑप्शन बी 10 to 28%, ऑप्शन सी 3.02 to 28.6%, ऑप्शन डी 15 to 24%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3.02 to 28.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, एक्सप्लोजन लिमिट ऑफ फायर डैम। फायर डैम का एक्सप्लोजन लिमिट पूछा है, ये तो आप कॉमन क्वेश्चन है जो आपके बार बार कॉलेज में भी पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 5.4 to 14.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लोजन लिमिट ऑफ वाइट डैम, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का एक्सप्लोजन लिमिट बताना है, इसमें पूछ रहा है आपको। तो ऑप्शन दिया हुआ 5.4 to 14.8%, ऑप्शन बी 12.5 to 74%, ऑप्शन सी 4 to 45%, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 to 12.5% to 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, एक्सप्लोजन लिमिट ऑफ स्टिंग डैम। स्टिंग डैम हम लोग कौन सा गैस को कहते हैं, तो H2S गैस को हम लोग स्टिंग डैम के नाम से जानते हैं। तो उसका एक्सप्लोजन लिमिट पूछ रहा है, आपका ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन ए 4 to 45%, ऑप्शन बी 4 to 75%, ऑप्शन सी 12.5 to 74%, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 to 45%। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने एक्सप्लोजन से ही क्वेश्चन को ज़्यादा एराइज इसलिए किया हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है मेरे रेस्पेक्ट से हमको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो इसी के कारण मैंने हर एक गैस का एक्सप्लोजन लिमिट को आपके क्वेश्चन के माध्यम से पूछने का कोशिश किया हूँ, ताकि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो उसको आप राइट टिक करके आए। तो इसमें पूछ रहा है कि हमारा हाइड्रोजन गैस का एक्सप्लोजन लिमिट, तो ऑप्शन दिया हुआ है 4 to 45%, ऑप्शन बी 4 to 75%, ऑप्शन सी 3.0 to 22%, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 to 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फायर डैम, यानी कि फायर डैम हवा के मुकाबले में कितना हल्का है, कितना भारी है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ 0.5%, ऑप्शन बी 0.75, ऑप्शन सी 0.55, ऑप्शन डी 1.25। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.55, यानी कि यह जो फायर डैम है वो हमारा हवा से लगभग आधा गुना वो हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फायर डैम डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि जो हमारा फायर डैम है वो पानी में कितना परसेंटेज तक वो घुलनशील होता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए आपका 3%, ऑप्शन बी 3.3%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 7%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3.3%, जो फायर डैम है वो आपका वाटर में डिजॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, फॉर एक्सप्लोजन इन अ माइन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, माइंस में एक्सप्लोजन होने के लिए हम लोग को कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। जब हमारा फायर डैम से एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ पे हम लोग को ऑक्सीजन का कितना रिक्वायरमेंट होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 10%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 25%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 12%। इसको आपको ये जो क्वेश्चन है उसको आपको समझने के लिए कोवाड डायग्राम को समझना पड़ेगा, वहाँ पे ये ऑक्सीजन का परसेंटेज आप देख करके बता सकते हैं कि कितना परसेंटेज होने पे आपका एक्सप्लोजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फॉर एक्सप्लोजन इन अ माइन व्हाट शुड बी द टेम्परेचर रिक्वायर्ड। दोस्तों जब हम लोग
माइंस में फायर डैम एक्सप्लोजन होता है तो उस समय उस फायर डैम एक्सप्लोजन होने के लिए कितना टेम्परेचर का ज़रूरत होता है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 650 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 800 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 650 डिग्री सेल्सियस। 31 क्वेश्चन नंबर में आते हैं और यहाँ पे 31 में कह रहा है कि हु डिस्कवर्ड द लेक ऑन इग्निशन ऑफ फायर डैम, कि किसने आविष्कार किया था लेक ऑन इग्निशन ऑफ फायर डैम का। तो लेक ऑन इग्निशन को किसने देखा था, तो हमारा सर हम्फ्री डेवी ने देखा था। जब इन्होंने देखा कि हम लोग क्या करते हैं कि नेकेड लैम्प को हमारे अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ करते थे काफ़ी साल पहले, तो उससे माइंस में एक्सप्लोजन होना शुरू होगा। फायर डैम के कांटेक्ट में जब आता था आपका नेकेड लैम्प तो उससे एक्सप्लोजन होना शुरू हुआ, तो उसको वो इन्होंने सर हम्फ्री डेवी ने क्या किया था, जो जो नेकेड लैम्प था उसके ऊपर में जाली बिछा दिया ताकि उसका जो लेग ऑन इग्निशन है उस लेग ऑन इग्निशन टेम्परेचर उसको इंक्रीज किया जा सके, ताकि यहाँ का जो फ्लेम है उससे जो हीट प्रोड्यूस होगा वो आपका जो वायर गेज है उसमें वो बिखार देगा, ताकि इसका जो लेग ऑन इग्निशन टेम्परेचर है वो इंक्रीज करे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सर हम्फ्री डेवी हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। एट व्हाट परसेंट ऑफ मीथेन गैस एक्सीड वी सेल कट द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अंडरग्राउंड माइंस, यानी कि कितना परसेंट मीथेन एक्सीड कर जाने पे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी माइंस का काट देना पड़ेगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1.25%, ऑप्शन बी 1.5%, ऑप्शन सी 0.5%, ऑप्शन डी 2%। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1.25% से जब मीथेन अधिक होता है ना तो हम लोग माइंस का इलेक्ट्रिसिटी को काट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द अदर एक्सप्लोजन इन अ कोल माइन एक्सेप्ट फायर डैम एक्सप्लोजन। फायर डैम एक्सप्लोजन के अलावा माइंस में और कितना तरह का एक्सप्लोजन हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है कोल डस्ट एक्सप्लोजन, ऑप्शन बी वाटर गैस एक्सप्लोजन, ऑप्शन सी H2S एंड H2 एक्सप्लोजन, ऑप्शन डी ऑल। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे माइंस में फायर डैम के अलावा कोल डस्ट एक्सप्लोजन होता है, वाटर डैम एक्सप्लोजन भी होता है, और H2 और H2S एक्सप्लोजन भी होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑफ एयर। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी ऑक्सीमीटर, ऑप्शन सी टॉक्सीमीटर, ऑप्शन डी मिथेनोमीटर। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बैरोमीटर हो जाएगा। और बैरोमीटर को हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, तो बैरोमीटर को आपका मैनेजर का ऑफिस में या फिर हम लोग सरफेस में इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कह रहा है बाय व्हाट अदर नेम डज ब्लैक डैम इज नोन फॉर। ऑप्शन ए कोल्ड गैस, ऑप्शन बी चौक डैम, ऑप्शन सी स्थाइट, ऑप्शन डी ऑल। दोस्तों हम लोग जो ब्लैक डैम होता है उसको हम लोग ठंडी गैस भी कहते हैं, इसे हम लोग बुझाऊ गैस भी कहते हैं क्योंकि यह आग को बुझा देती है, इसलिए इसको हम लोग बुझाऊ गैस भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कह रहा है इन अ कोल माइन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ ब्लैक डैम, यानी कि ब्लैक डैम जो गैस है, यानी ब्लैक डैम में कौन कौन सा होता है गैस, CO2 प्लस एक्सेस नाइट्रोजन। तो यहाँ पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परसेंटेज कितना होता है ब्लैक डैम में। ऑप्शन दिया हुआ है 12 to 13%, ऑप्शन बी 15 to 20%, ऑप्शन सी 87 to 88%, ऑप्शन डी 90 to 95%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 to 13%। वहीं अगर हम लोग यहीं पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड ना दे करके नाइट्रोजन रहता तो उस कंडीशन में क्या होता, ऑप्शन सी हो जाता 87 to 88%। 37 क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट परसेंट ऑफ ब्लैक डैम विल एक्सटिंग्विश द फ्लेम सेफ्टी लैम्प,
यानी कि कितना परसेंटेज ऑफ ब्लैक डैम होने पे आपका सेफ्टी लैम्प बुझ जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए आपका 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 25%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 20%। अगर ब्लैक डैम मौजूद होता है तो आपका फ्लेम सेफ्टी लैम्प को वो बुझा देगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द ब्लैक डैम परसेंटेज इज 20%, देन व्हाट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड। जब हमारा ब्लैक डैम आपका एटमोसफेयर में 20% होगा तो उस कंडीशन में हमारा ऑक्सीजन कितना परसेंट उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है 15%, ऑप्शन बी 17%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन डी 20%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 17%। दोस्तों यदि हमारा 5% कार्बन डाइऑक्साइड और आपका एक्सेस नाइट्रोजन, यानी कि हमारा अगर एटमॉस्फेयर में 5% ब्लैक डैम मौजूद होता है तो उस कंडीशन में हमारा 1% ऑक्सीजन का कमी होता है। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है कि 20% हमारा ब्लैक डैम मौजूद है, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आ जाता है, 4। और हम लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में आपका ऑक्सीजन कितना मात्रा में होता है, तो 21% होता है। अगर हम लोग उससे 4 डिवाइड कर माइनस कर देते हैं तो आपका 17% बचता है। तो ये आपका 17 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉर्मली हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, यानी कि सामान्य हवा में मोटे तौर पर ऑक्सीजन का कितना गुना नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन दिया हुआ ए 2.76, ऑप्शन बी 3.76, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 4.26। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3.76। 14 क्वेश्चन है आपका, इन अ बर्निंग कोल इफ वाटर इज स्प्रेड ओवर इट देन विच गैस इज फॉर्म। जब दहकता हुआ कोयला में हम लोग पानी छिड़कते हैं तो उस समय कौन सा गैस फॉर्म होता है। ऑप्शन ए वाटर गैस, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी H2, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वाटर गैस। अगर यहीं पे अगर हम लोग पूछा जाए कि वाटर गैस में कौन कौन सा गैस होता है, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस होता है वाटर गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 41, परमिसेबल लिमिट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कितना आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का परमिसेबल लिमिट है दिया गया है हमारे रेगुलेशन में, और उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ 5 PPM, ऑप्शन बी 50 PPM, ऑप्शन सी 100 PPM, ऑप्शन डी 150 PPM। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 50 PPM आपका परमिसिबल लिमिट है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। 42 क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 PPM इन परसेंटेज। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि 1 PPM इज इक्वल टू कितना होता है, 1 PPM इज इक्वल टू 10 लाख होता है, 10^6 होता है। तो यहाँ पे आपका ये है, तो अगर हम लोग 1 PPM को लिखें 1:1, आपका 10 लाख लिख रहा हूँ मैं यहाँ, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 100। तो यहाँ पे 2 कट गया, बचा 4, तो 0.0001% हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपने समझा कि कैसे मैंने यहाँ पे निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, बाय विच इंस्ट्रूमेंट वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। किस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जांच करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका PS डिटेक्टर, ऑप्शन बी हुलोमाइट डिटेक्टर, ऑप्शन सी टॉक्सिक मीटर, ऑप्शन डी ऑल। तो इन तीनों इंस्ट्रूमेंट से हम लोग PS डिटेक्टर हो गया, हुलोमाइट हो गया, टॉक्सिक मीटर, इन तीनों डिटेक्टर से हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जाँच करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑल हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44,
इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज़ द मेन गैस ऑफ नाइट्रस फ्यूम्स, यानी कि नाइट्रस फ्यूम्स में कौन सा मेन गैस के रूप में है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए NO2, ऑप्शन बी NO, ऑप्शन सी N2O3, ऑप्शन डी N2O5। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45। थ्रू विच ऑपरेशन डज नाइट्रस फ्यूम्स गैस फॉर्म्ड, कौन सा ऑपरेशन करने से हमारा नाइट्र जो खांसी गैस है वो बनता है। तो ऑप्शन ए ब्लास्टिंग, ऑप्शन बी डीजल लोको, ऑप्शन सी डीजल लोको एग्जॉस्ट, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। यह ब्लास्टिंग से भी बनता है हमारा नाइट्रस फ्यूम्स गैस, और हमारा डीजल लोकोमोटिव जब चलता है तो उससे भी बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नाइट्रस फ्यूम्स, ऑप्शन ए आपका 0.37, ऑप्शन बी 1.2, ऑप्शन सी 1.59, ऑप्शन डी 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1.59। इसका रेफरेंस आपका GT का बुक जो आपका LC काकू का है उससे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। व्हाट इज़ द कलर ऑफ नाइट्रस फ्यूम्स लुक्स लाइक, नाइट्रस फ्यूम्स कौन सा रंग का होता है। तो ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ब्राउनिश, ऑप्शन सी येलो, ऑप्शन डी ग्रीन। तो इसका जो कलर है वो आपका ब्राउनिश होता है, भूरे रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। इफ समवन इज इन्फेक्टेड बाय नाइट्रस फ्यूम्स गैस देन थ्रू विच डिजीज पर्सन गेट डाइज, यानी कि जब किसी व्यक्ति को नाइट्रस फ्यूम्स गैस वो इनहेल करता है तो उसके बाद उस व्यक्ति का कौन सा डिजीज होने के बाद वो व्यक्ति मर जाता है। तो ऑप्शन ए आपका मलेरिया, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन डी डायरिया, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा निमोनिया। दोस्तों जब हमारा जब हम लोग नाइट्रस फ्यूम्स गैस को इनहेल करते हैं तो ये हमारे लंग्स में जो मौजूद पानी होता है उससे वो रिएक्शन करके हम लोग को ज़्यादा खांसी उत्पन्न कर देता है। तो उसी खांसी के कारण वो जो व्यक्ति होता है वो मर जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निमोनिया हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमिसिबल लिमिट ऑफ नाइट्रस फ्यूम्स, तो नाइट्रस फ्यूम्स का परमिसिबल लिमिट पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए आपका 5 PPM, ऑप्शन बी 10 PPM, ऑप्शन सी 20 PPM, ऑप्शन डी 50 PPM। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 5 PPM। 50 नंबर क्वेश्चन है इन विच ऑपरेशन वेयर देयर इज मोस्ट चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस फ्यूम्स, कौन सा ऑपरेशन कौन सा कार्य करने से जो चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस फ्यूम्स है वो ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए आपका स्टोन ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी सिंकिंग शाफ्ट, ऑप्शन बी सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा, डैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग स्टोन ड्रिफ्ट चलाते हैं या फिर सिंकिंग शाफ्ट करते हैं, जब शाफ्ट का निर्माण करते हैं तो उस समय हम लोग हैवी अमाउंट में ब्लास्टिंग करने का ज़रूरत पड़ता है, और जो हमारा नाइट्रस फ्यूम्स गैस होता है वो आपका मेनली ब्लास्टिंग से ही उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है थ्रू ब्लास्टिंग विच गैस फॉर्म्ड एंड कम्स इन द फेस, जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो कौन सा गैस बनता है और वह गैस हमारे फेस में आता है। तो ऑप्शन ए आपका CH4, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी CO। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा NO2, जो आपका नाइट्रस फ्यूम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2S गैस, तो इसका ऑप्शन है आपका 0.55, ऑप्शन बी 0.97, ऑप्शन सी 1.18, ऑप्शन डी 1.5। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, होता है 1.18। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमिसिबल लिमिट ऑफ H2S गैस, उसका ऑप्शन है आपका 5 PPM, ऑप्शन बी 20 PPM, ऑप्शन सी 50 PPM, ऑप्शन डी 10 PPM। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, 10 PPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ SO2 गैस,
ऑप्शन ए 0.57, ऑप्शन बी 0.97, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 2.2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2.2 होगा, क्योंकि यह जो गैस है वो सबसे भारी गैस होती है और यह हवा के मुकाबले में 2 गुना टाइम्स आपका भारी होती है। और जब ये भारी होती है तो मेनली कहाँ पे मिलेगी, तो ये हमारे डीप सेक्शन में, माइंस के डीप सेक्शन में ये गैस हम लोग को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ SO2 गैस इज? ऑप्शन ए स्वीट, ऑप्शन बी सॉर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नन, क्योंकि ये जो गैस होती है वो ना तो हम आपको स्वीट स्मेल देती है ना ही वो खट्टा स्वाद देती है, यह लगभग हम लोग को तीखा गंध देती है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कह रहा है कि इन अदर कंट्री विच गैस इज नोन एज आइस्टर, आइस्टर नाम से कौन सा गैस दूसरे कंट्री में जानी जाती है? ऑप्शन ए आपका CO2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी H2S। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको वहाँ पे इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2 गैस। तो H2 गैस जो हमारा हाइड्रोजन गैस है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए आपका 0.069, ऑप्शन बी 0.57, ऑप्शन सी 0.97, ऑप्शन सी 0.69। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.069। ये जो हाइड्रोजन गैस है वो सबसे हल्की गैस होती है और यह और सबसे भारी गैस हमारा SO2 गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59, विच गैस बर्न्स वेरी इजली, कौन सा गैस वो बहुत स्पीडली वो बर्न्स बर्न करती है, जलती है? तो ऑप्शन ए आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका H2 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस बहुत स्पीडली वो बर्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोअर एक्सप्लोजन लिमिट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन ए आपका 2%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 20%। तो हम लोग को यहाँ पे लोअर एक्सप्लोजन लिमिट ऑफ हाइड्रोजन गैस पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 4%। अगर हम लोग यहीं पे बात करें कि हाइड्रोजन गैस का एक्सप्लोजन लिमिट कितना से कितना होता है, तो 4% से लेकर वो आपका 75% तक होता है। तो ये सभी थे आपके जो क्वेश्चन, वो आपका आने का उम्मीद है कि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है GT का, उसमें ये क्वेश्चन सभी आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से मेनली हम लोग को गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में। पहला चीज़ है कि आपको सबसे पहला करना है कि ये देखना है कि कौन सा गैस वो हवा के मुकाबले में कितना टाइम्स वो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, कौन सा हवा के मुकाबले में किस गैस का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, उसको आपको सभी गैस का स्पेसिफिक ग्रेविटी को याद कर लेना है। सेकंड है आपका एक्सप्लोजन लिमिट ऑफ ईच गैस, कि कौन सा गैस का विस्फोटक लिमिट यानी कि विस्फोटक सीमाएं कितना है, वो सभी भी आपको जैसे याद करना है। जैसे हमारा मीथेन का 5.4 से 14.8% होता है, ठीक है, उसी तरह से बाकी और जो गैसेज हैं उसका एक्सप्लोजन लिमिट कितना होता है उसको आपको याद करना है, क्योंकि इन्हीं सारे टॉपिक से आपका जो मोस्टली वो गैस टेस्टिंग एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए मैं आपको ज़्यादा इम्फोसाइज कर रहा हूँ कि इन सारे टॉपिक्स को आपको करके ही जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, थ्रू स्मेल विच गैस इज डिटेक्टेड, गंध से कौन कौन सा जो गैस है उसको हम लोग पहचान सकते हैं, उसको भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट है आपका, थ्रू कलर विच गैस इज डिटेक्टेड, और रंग से जो पहचाने वाला जो गैस होता है वो कौन कौन सा गैस होता है उसको आपको कर लेना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपका, परमिसिबल लिमिट ऑफ ईच गैस, और ये भी देखना है कि कौन कौन से गैस का परमिसिबल लिमिट कितना होता है। जैसे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का 50 PPM होता है, तो उसी तरह से बाकी और गैसेस का परमिसिबल लिमिट माइंस में कितना है उसको आपको करके ही जाना है। ये सभी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग गैस टेस्टिंग।
और इसके बाद हम लोग, अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट करके बताओगे कि इसके बाद मैं और भी वीडियो बनाऊं गैस टेस्टिंग का या नहीं, रिगार्डिंग आपका जो सेफ्टी लैंप का पार्ट्स हो गया और आपका जो डिटेक्टर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो लाऊं या नहीं लाऊं, उसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर वहाँ पे PDF बनाऊँगा। तो यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, शेयर करें, और मैक्स यूज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।